जब भी आप ऐसे यूट्यूबर ट्रैवल करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होता है, आपके इक्विपमेंट का ही वेट जो है ना वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि या तो आप इक्विपमेंट ले लो या तो आप कपड़े ले लो। और मेरा तो क्या है कि मैं पूरी तरह बैंगलोर शिफ्ट हो रहा हूँ। हे सॉरी यार, मैं एक्चुअली उस दिन टैक्सी से आने के बाद क्या है ना कि घर पे एक तो रहने की जगह नहीं थी, यहाँ पे बैंगलोर में पहली बार ही आया हूँ, तो घर का मतलब इंतज़ाम करते करते पहले 4 दिन होटल में रहा। उस दिन मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं करी। अब मैं यहाँ, मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये पीजी है, एक्चुअली कोलिव कहते हैं यहाँ पे ना, दो लोग रहते हैं एक साथ तो, और यहाँ पे पीजी की तरह होता है, मतलब आपको खाना वाना सब मिल जाता है 3 टाइम का यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया, सारी चीज़ें मैंने सेटल करी। अब मैंने सोचा कि वीडियो को कंटिन्यू करके बताऊँ कि मैं किस लिए आया हूँ बैंगलोर में। एक्चुअली आप लोग इतना ज़्यादा क्यूरियस हो गए थे, आप लोगों ने पोस्ट पे भी मेरे से पूछ लिया कि किस लिए आया हूँ बैंगलोर में। मैं एक स्टार्टअप के लिए आया हूँ। क्या स्टार्टअप है ये? स्टार्टअप जो है वो एग्जिम रिलेटेड स्टार्टअप ही है, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टार्टअप ही है। और मेरे को इन लोगों ने एक्चुअली यूट्यूब के थ्रू ही सारा कनेक्शन बिल्ड हुआ था, इनिशियल कनेक्शन। इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल पर देखा होगा स्केल पे, फिर राइनो पे करके मैंने पीछे कुछ वीडियोस भी बनाई। तो वाला स्टार्टअप किसी कारणवश नहीं चला, तो उसी तरह का सेम कॉन्सेप्ट पे ये स्टार्टअप काम कर रहा है जहाँ पे मैं काम करने के लिए आया हूँ। तो इनके साथ मैं डाउन द लाइन सारी चीज़ें बिल्ड करने में इन लोगों की हेल्प करूँगा। मेरे को भी मज़ा आएगा काफ़ी कुछ सीखने में, और काम करने में भी मज़ा आएगा क्योंकि मेरा एक्सपर्टाइज है इस फील्ड में थोड़ा बहुत। तो हाँ जी, ये एग्जिम रिलेटेड स्टार्टअप है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टार्टअप है, और बहुत सही काम कर रहे हैं हम लोग। देखिए, जुड़ा मैं इस एप्लीकेशन के इसी तरीके से था कि यूट्यूब के थ्रू ही सारी चीज़ें शुरू हुई थी। यूट्यूब के थ्रू ही मैं लोगों से जुड़ा, अब लोगों के साथ भी काम करने में ठीक ठाक मज़ा आ रहा है, आगे जाके भी मज़ा आने वाला है। तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा, और भी कई सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताता रहूँगा कि BRC क्या होता है, पेमेंट किस तरीके से रिसीव करते हैं, किस तरीके से आप लोग अगर ऑलरेडी इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, PayPal को या Payoneer को, तो आप यूज़ करते रहिए। मैं नहीं कहता कि आप सीधा स्विच करिए, उसको भी किस तरीके से आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, वो सारी ट्रिक्स भी मैं इस टिप्स भी मैं इस चैनल पर आता रहूँगा। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे मैं इस तरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड कस्टम क्लियरेंस रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।